अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज के दिन का आगाज़ किचन से होता है और किचन में जो है ये मुझे मिल रहे हैं आउटसाइड परिंदे। और रूटीन आजकल बहुत डिफरेंट चल रही है और रूटीन में आज आपको बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, आज उठते ही मेरा मन था कि मैं भिंडिया बनाऊँ, और भिंडिया बनाने के लिए जो है ना ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलेंगे इसको वो कर रही थी जो अक्सर हम वीडियोस में देखते हैं। बहरहाल लेडी फिंगर भिंडी इज माय फेवरेट और मेरी मदर की भी। और इसमें हरी चिलीज ही कहते हैं ना, सॉरी हाँ ग्रीन चिलीज, सॉरी हरी चिलीज, वाओ ग्रीन चिलीज और ज़्यादा सारे प्याज। और ये मेरा फेवरेट जो है तरीका है, रेसिपी है जो मुझे मेरे हिसाब से सही लगता है। और टमाटर मुझे इसमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस जी मिनिमम सी इंग्रेडिएंट्स के साथ और ये मेरी मज़े की जो भिंडी है वो तैयार हो चुकी थी और खा ली। और खाने के बाद जी थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम आफ्टरनून में निकल चुके थे आउटसाइड विद माई मॉम। और मैं अपनी मॉम को जो है वो वीडियो बनाना सिखा रही थी कि अम्मा जी ऐसे करें ऐसे करें, क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ तो खैर उनको आता नहीं है जी। तो मैं दिन में हम लोग निकले थे तो एक दोस्त की तरफ थे, वहाँ पे मैं फिर वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। और थोड़ा उसने हमें इनवाइट किया हुआ था लंच पे, लंच किया और बस बैठे बैठे बातें करते, टाइम का पता ही नहीं चला। और हम लौट रहे थे जी घर को, और एज यूजुअल मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन इतनी गंदी है, टाइम नहीं मिला क्लीन कराने का। खैर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। और नेक्स्ट डे जो है हमारा प्लान बना था मेरी और मेरी मदर का कि हम स्विमिंग के लिए जाते हैं, और स्विमिंग के लिए हमें चूज की प्लेस अलजीरा, विलाज अलजीरा आई थिंक, यस अलजीरा बीच लाइक दिस समथिंग। ओके जी हम पहुंच चुके थे और आफ्टरनून था, धूप थी और लोग नहा रहे थे स्विमिंग कर रहे थे। सो हमने भी पार्टिसिपेशन की इसमें। और ये आफ्टर उसके बाद है और घर आके जी मूड बना पकोड़े खाने का, अम्मा जी का, तो मैंने उनके लिए पकोड़े बनाए मज़े के और जो हमने जो है जल्दी जल्दी बनाए और एंजॉय किए विद केचप विद सम चटनी विद सम रायता लाइक दिस। और लास्ट नाइट जी स्विमिंग करने के बाद हम इतना थक चुके थे, नेक्स्ट डे हम इवनिंग में उठे हैं और मुझे इतने काम पेंडिंग थे और मैं लैपटॉप लेके सुसाइड पे रोमी को लेके आ चुकी थी और सारा काम कर रही थी। और ये मेरी वीडियोस जो हैं वो मिक्स मिक्स चल रही हैं और मैं अपनी डेली रूटीन जो है वो शेयर किया करूँगी। और ये जो है ये भी बाहरीन में एक बीच की है और एक सी की है और बीच साइड की, और ये मैं नहीं बताऊंगी कौन सी जगह है। आप जाने के अब जो है ना गेस करें कि ये कौन सी जगह है। खैर ये मैंने इसमें बहुत मजे मजे की जो है ना पानी में आईफोन को वो करके वो शॉर्ट्स ले हुए। खैर वो मैं यही बता रही थी कि रूटीन जो है आजकल बहुत ही डिफरेंट हुई हुई है और लेट नाइट सोना होता है और सुबह फिर आँख नहीं खुलती है, बस यही चल रहा है। हाँ जी मैं कहाँ पे थी मुझे पता नहीं चल रहा आजकल की मेरी रूटीन क्या है और कभी मेरा क्या खाने को दिल करता है मम्मी के साथ और कभी मेरा क्या खाने को बनाने को दिल करता है, तो बस यही चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। और यहाँ पे पास्ता बनाया था और वो इन्जॉय किया और फिर हम दोपहर में निकल चुके थे। नेक्स्ट डे जो है हमें कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, मेरी फ्रेंड को और मेरी मदर को देखना था कुछ अबाया वगैरह, तो वही हम देखने के लिए सट आउट मार्केट में आ चुके थे। और यहाँ पे जो है मेरी मदर और वो कर रहे हैं वॉक मीन्स विंडो शॉपिंग, दूसरी शॉपिंग करके हम गाड़ी में रख चुके थे और ये विंडो शॉपिंग चल रही थी क्योंकि औरतों का काम ही है विंडो शॉपिंग करना और दूसरी शॉपिंग करना। दूसरी शॉपिंग भी होगी और विंडो शॉपिंग हो रही है। अगर कोई यहाँ पे बाहरी में रहता है तो उसको पता है यहाँ पे कुछ ओल्ड आइटम्स भी मिलती हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे सारी ओल्ड आइटम्स भी हैं, यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे परफ्यूम्स भी मिलते हैं और भी काफ़ी कुछ है, अबायास भी अच्छी क्वालिटी में मौजूद हैं। और सेकेंड हैंड आइटम्स ज़्यादातर रेस्टोरेंट का जो होता है ना अंदर किचन का सामान वगैरह, तो वो यहाँ से इजीली मिल जाता है अगर किसी को चाहिए हो तो। बहरहाल जी हम यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे थे जो कि मिल नहीं रहा था और मेरी जो ब्लॉगिंग है वो साथ साथ चल रही थी। और
बस अपने व्लॉग का जो है मैं यहीं पे अख्तिताम करती हूँ, अख्तिताम पजीर होती हूँ, और क्योंकि हमें कुछ और भी चीज़ें देखनी थी बस यही चल रहा था। और ये जो है अगर किसी को चाहिए तो ये इनके वीकेंड में लगते हैं ओल्ड आइटम्स की, और किसी को देखना हो तो यहाँ पे मेरे मोबाइल की जो है वो कलेक्शन भी है अगर किसी को चाहिए हो तो। और मैं आ गई थी अपनी मोटर को लेके अपनी गाड़ी की जो है गाड़ी को शावर दिलाने, और साथ में जी ये मेरी अम्मी का और उनका जी प्यार प्यार की बातें चल रही हैं बिल्ली की कैट की। और यहाँ पे चल रहा है जी मेरी गाड़ी का शावर और सस्ता शावर। साथ में जी मुझे कुछ काम था वो बैठ के मैंने जो है इसको खत्म किया, और साथ बीच में, और बस जी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।